और आगे आपको एक मिनट में पूरी खबर दिखाएंगे। गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसे बच्चों का क्या हुआ ये आपको दिखाएंगे। केरल के कोझिकोड में स्टंटबाजों पर एक्शन की खबर भी आपको दिखाएंगे। तो कोरियन महिला से छेड़खानी करने वालों पर क्या एक्शन लिया गया ये भी आपको बताएंगे। सहारनपुर और जोधपुर में कैसे दर्दनाक हादसा हो गया ये पूरी खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जिसे आप बार बार जेएनयू के तौर पर सुनते हैं, जेएनयू परिसर की दीवारों पर जाति विरोधी नारे लिखे गए, ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ ये नारे लिखे गए। दीवारों पर ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, रक्तपात होगा, ब्राह्मण भारत छोड़ो, और ब्राह्मणों और बनिया हम तुम्हारे पास बदला लेने आ रहे हैं, ये नारे लिखे गए। यही वो नारे हैं जो जेएनयू की परिसर की दीवारों पर लिख दिए गए। एबीवीपी ने इस प्रकरण के लिए लेफ्ट विचारधारा के छात्रों को जिम्मेदार बताया। वाइस चांसलर ने इस मामले में कड़ी निंदा करते हुए जांच के आदेश दे दिए। चर्चित यूनिवर्सिटी है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। विचारधारा को लेकर कई बार यह सवालों में रही है, लेकिन यहां पर एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जो सभी को हैरान परेशान कर रहा है, सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है कि यह किस तरह की विचारधारा यहां पर पनप रही है। ब्राह्मणों और बनिया के खिलाफ यहां पर जो नारे लिखे गए कैंपस की दीवारों पर, ये जांच का विषय है। और इस पूरे मामले में अब आगे क्या कदम उठाया जाता है ये सवाल बड़ा है।